अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। आज व्यूअर्स हम लोगों को दो चार काम निपटाने, वो ये कि आज सॉफ्ट फूड बना के लाया हूँ। बेहतरीन किस्म का सॉफ्ट फूड है ये। सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को देना है और जेरी के पर खींचने हैं ताकि उसके पर नए आ सके और वो बहुत जल्द उड़ सके। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, जब से ये मेरे पास आया ना, तीन चार दिन हो गए, मैंने इसकी टें 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 की आवाज़ नहीं सुनी। वरना होता ये था, सुबह फजर में जैसी रोशनी निकलती थी ना, सारे परिंदे मेरे बोलने लग जाते थे और मैं इसकी आवाज़ से अक्सर उड़ जाया करता था। जब से इसको मैं वापस लेके आया हूँ ना, इसकी मैंने वो आवाज़ नहीं सुनी। ये नाराज़ हुआ आप। अब इसको क्या पता कि मैंने इसके पर नहीं काटे। सही है, ये मतलब वोल्टेज भी यार काफ़ी लो आ रहे हैं, बार बार ये शोर कर रहा है यूपीएस हमारा, सोलर जो भी इन्वर्टर है। खैर अभी चलते हैं अंदर, वो देखें कैसे झांकी मारी इन लोगों ने दाने की तलाश में। दाना उधर नहीं रखता बेटा अब मैं, सही है, इनको दाना पानी करते हैं। इनका स्विमिंग पूल भी वहीं पे एसिडस है। हैं भाई जेरी, कैसे हो मेरे शहजादे? ठीक हो? खैर अभी अंदर चलते हैं, इनको दाना पानी करते हैं, इनको सॉफ्ट फूड भी देते हैं और इंशाल्लाह जेरी के पर भी खींचते हैं। देखते हैं क्या सूरत है। मैंने परों को अभी तक देखा भी नहीं है, कितने कटे हैं क्या है, आपके सामने देखते हैं सारा कुछ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अपने जो मेरे ब्लैक मूव है फिश है उनके भी इंशाल्लाह बच्चे दिखाने वाला हूँ। काफ़ी बड़े हो गए हैं बच्चे और वो भी आप लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वो भी मैं अभी ही रिकॉर्ड कर लूँगा। सही है, अंदर चलते हैं, सामान है मेरे हाथ में, अल्लाह ना करे कोई निकल जाए तो। और मुझे एक और काम भी करना है, पता है क्या? बाथरूम के ऊपर जाली मारनी है, इधर खिड़की पे जाली लगानी है और इस पूरे गेट के ऊपर जाली लगानी है खुले दोस्त से, ताकि इन फ्यूचर अल्लाह ना करे कोई परिंदा बाहर आता भी है तो वो ज़ाया ना हो। ये जब ये टाइसन जेरी भागे थे ना, साथ जो है मुझे उससे काफ़ी पहले से साथ मुझे बोल रहा था कि भाई जाली लगा दे, जाली लगा दे, अल्लाह ना करे कोई निकल जाएगा, फिर प्रोग्राम बढ़ जाएगा तुम्हारा। तो उसकी बातों पर मैंने अमल नहीं किया, करना चाहिए था हालांकि, और टाइसन जेरी का नुकसान हो गया था। जेरी आ गया, टाइसन का कुछ पता नहीं है। असल में वो टाइसन रात को निकला है ना, कुछ नहीं पता वो जिंदा है मर के अल्लाह जाने क्या है। सही है, बाकी वो तो एक गलत टॉपिक है, इंशाल्लाह देखते हैं। जेरी मिल गया रमज़ान के मुबारक महीने की तो फैल से अल्लाह ताला ने मुझे वापस कर दिया। टाइसन भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह देने पड़ेंगे 1500-2000 रुपये और ऊपर दे देंगे, लेकिन टाइसन भी वापस ले देंगे, कोई मसला नहीं है। सही है, बाकी अभी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सारे सीन। आ जाओ जेरी, आ जाओ, शाबाश, ये लो बैठ के खाओ तुम। अभी यहाँ पे मैं दाना पानी कर दूँ, उसके बाद तुम्हें भी अलग से दूँगा, इन सबको दूँगा। सही है जेरी, मज़ा आ जाएगा। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। इसके अंदर गाजर है, अंडा है और बंद गोभी है। जो जो चीज़ें थी मैंने मिला ली, इन लोगों के लिए तो मज़े ही होंगे, ज़ाहिर सी बात है। सही है ना, जावाज तो मौज करेंगी मौज, मज़ा आ जाएगा। आ जाओ पुष्पा, तुम भी खा लो। ये हो गया बड़ी वाली जावास कराना, इतना काफ़ी है। और ये हो गया दो पंचेस और एक जावा जो पड़ी हुई है मेरे पास, उसका दाना काफ़ी है इतना। और ये हो गया हमारा लवबर्ड का दाना। ये भी काफ़ी है। अब जो बाहर जो खुले हुए हैं उनके लिए इसमें आता है दाना। ये आ गया इधर थोड़ा सा, आ गया ये थोड़ा सा और आ गया, ये हो गया इनका भी कोटा पूरा। चलो अब सबको सर्व करते हैं। चलो अभी दाना तो सर्व हो गया, ये सर्व करना है, बाकी इन सब में अब मुझे रखना है सॉफ्ट फूड। अच्छा भाई ये आ जाता है थोड़ा सा जो बाहर पर खुले में उनके लिए, ये आ जाता है मेरा लवबर्ड के लिए, सही है ना, ये आ जाता है इन लोगों के लिए, काफ़ी है इन लोगों के लिए इतना, इनको थोड़ा सा और दे देते हैं, बाकी सारा जाएगा जावा के अंदर। सही है, अब इनको सर्व करते हैं। अगर जावा का भी मैं जावा किया, बड़ी प्लेट नहीं है यार, रोज़ा है मेरा भी, और बदबू भी कैसी मज़ेदार खुशबू आ रही है ना, वो मज़ा बॉइल है, गाजर है, बदबू भी है, दिल जा रहा है खा लो, दिल जा रहा है।
तो मैं क्या सोचा था कि जावास के लिए थोड़ा सा बड़ा प्लेट होनी चाहिए सॉफ्टवुड की, ज़्यादा है ना ये वाली, अगर मैं प्लेट रखता हूँ तो इसके अंदर जो है ना दाने वो ये लोग बर्बाद कर देंगे। तो क्या किया जाए क्या किया जाए, पर मेरे ख्याल से मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं उसमें ना, प्याली रखी हुई है ना, वो मैं भूल कैसे गया प्याली को, तो प्याली ये अब इसको साफ करके इसमें देता हूँ सॉफ्ट फूड में इनको बेहतरीन से समझो। जब सीन ये है कि जो प्याला जो बरामद हुआ था उसके अंदर गीला आइटम रख नहीं सकता था क्योंकि धोना पड़ता, तो उसके अंदर मैंने सूखा आइटम रख दिया यानी कि दाना, और दाने की जो प्याली है इसके अंदर मैं अब सॉफ्ट फूड डालने लगा हूँ। मज़ा आ जाएगा आज तो सब परिंदों को, मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा बन गया यार सॉफ्ट फूड, अच्छा खासा ज़्यादा बन गया, जाया जाएगा। ये देखें हमारा पेयर आ गया सॉफ्ट फूड खाने के लिए। सॉफ्ट फूड बड़ा है लोगों के लिए ना बेहतरीन होता है, अलग अलग सॉफ्ट फूड दें, अंडा ब्रेड हो गया, और मैं तो दे नहीं पा रहा हूँ उतना लूसन वगैरह, तो अभी गर्मी आ रही है लूसन देने की ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में दिया जाता है लूसन, मैं भी दे रहा था लेकिन इतना नहीं दे रहा था। भुट्टा इनको ला के डालूंगा मैं लाजमी सबको, भुट्टा में भुट्टे वाले मिल नहीं रहे, भुट्टा भी ला के डालना है। और इनके लिए यहाँ पे अब थोड़ा वेदर सही हो जाए इंशाल्लाह, फिर इनके लिए यहाँ पे पंखा भी लगाना है जो इनको हवा देता रहे, है ही ना, तो पंखे का भी जुगाड़ करना है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना मेरे पसीने आ रहे हैं, वेंटिलेशन उस किस्म की है नहीं क्योंकि पीछे घर बन गया है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं तो इतनी हवा आती नहीं है पीछे से, समझ रहे नहीं, तो पहले तो आती थी थोड़ी बहुत, अब नहीं आती। तो ये है सारा चीज़, चलो भाई इसको इसके अंदर रख के आज मेरे ख्याल से लोग दाना बचा देंगे, उसकी वजह है कि सॉफ्ट फूड मैंने आज ज़्यादा कर दिया इन लोगों के लिए। ये खोला गेट, तुम बाहर नहीं आ जाना तुम लोगों में से कोई यार, मसला हो जाएगा वरना। ये आ गया दाना, पूरा गेट खुला हुआ है आप देख सकते हैं, जावा ये ही सामने, बस 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 बस। इसको मैं कहाँ रखूँ, बीटें आ जाएंगी सारी, इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर इतनी बीटें हैं नहीं, यहाँ पे खाएंगे ये लोग सॉफ्ट फूड, यहाँ पे मैं रख देता हूँ पानी, हो गया इनका काम, अब आएगा इनको मज़ा। लेकिन पानी शानी पीने आ गए सारे, सॉफ्ट फूड वगैरह भी खाएंगे। जैसे कि पर खींचने वो तो रह ही गया भाई, मैं उसको पकड़ता हूँ कैमरा लगाता हूँ, मैं तो जुगाड़ से लगाता हूँ कैमरा, उसके बाद इसको पकड़ता हूँ, देखते हैं प्यारों मोहब्बत से पर खिंचवाता है या नहीं खिंचवाता, वो ग्राम बढ़ता है या पास हो जाता है, नाराज़ तो होगा जाहिर सी बात है, और थोड़ा सा सुस्त भी हो जाएगा क्योंकि पर खींचेंगे ना इसके, उसी वजह से मैं इन लोगों को सॉफ्ट फूड वगैरह दे रहा हूँ, कल भी दिया था मैंने आज भी दिया था, ताकि जो है ना थोड़ा बहुत खुश हो जाए, उसके अंदर जो कमियाँ वगैरह हैं वो पूरी हो जाए, अंडा ब्रेड वगैरह इन सबसे थोड़ा बहुत अपग्रेड हो जाइए, सही है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पर खींचेंगे तो जाहिर सी बात है तो खून की कली आएंगी तो कमज़ोर होना इसका बनता है, तो करते हैं इंशाल्लाह कुछ इसका भी पर खींचें, देखते हैं क्या बनता है, सही है। आ गया शहजादा, शोर शराबा नहीं करना चाहिए, शोर शराब जहरी जहरी शहजादे मेरे शहजादे, क्या हो गए, मैं पढ़ देख रहा हूँ तुम्हारे, उड़ना नहीं है क्या तुम्हें, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ जहरी, रुक जाओ, ये देखें कैसे चिल्ला रहा है, रुक जाओ हाँ रुक जाओ, ऐसे ऐसे सही है, ये देखें इसके इतने इतने पर, इसको तकलीफ तो नहीं होगी लेकिन चिल्ला रहा है, चुप हो जाए यार जल्दी, इसके पर नहीं निकल पा रहे हैं यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ यार, इसके पर नहीं निकल पा रहे हैं, मैंने ताकत लगाई है ऐसा क्यों हो रहा है यार, कबूतरों के तो आराम से निकल जाते हैं, इन तोतों को क्यों नहीं निकल पा रहे हैं यार, बे यार अब ये कैसे उड़ पाएगा, पर काट दिए घरों ने जिनके मैंने लिया है वापस, रुक जाओ जहरी रुक जाओ, मुझे लग रहा है मेरे अकेले बंदे का काम नहीं है ये, साथ वगैरह को बुलाना पड़ेगा, रुक जाओ जहरी यार, पूरे अंदर तक काटे हैं यार इसके पर, आ गई एक कली बार, रुक जाओ देरी रुक जाओ, दूसरी कली भी आ गई बाहर,
रुक जाओ जैरी, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ यार, तुम उड़ोगे कैसे यार, फिर उड़ना तो है ना तुम्हें, तुम मुझे गालियाँ दे रहे हो। दर्द तो खैर नहीं होता इनको, क्योंकि अगर दर्द हो रहा होता अभी मेरी उंगली काट काट के बेड़ा गर्क कर देता है। रुक जाओ जैरी, बस रुक जाओ, थोड़ा सा बाकी है बस, रुक जाओ, रुक जाओ जैरी। मुझे भी खुद अजीब सा हो रहा है, आज कब कब आ रहा है मेरे। ठीक है, जो पसंदीदा चीज़ होती है ना उसके साथ ये थोड़े बहुत मामलात होते हैं, बर्दाश्त नहीं हो पाता है यार। रुक जाओ जैरी, बस रुक जाओ, थोड़ी सी देर और बाकी है बस। ज़्यादा मैं इसके खींचूँगा भी नहीं, पर इतना खींचूँगा कि ये उड़ पाए बस। इस तरफ रुक जाओ, रुक जाओ जैरी, रुक जाओ, रुक जाओ खिलाते, रुक जाओ। इस तरफ का कंप्लीट हो गया, ये वाला पर मैंने छोड़ के रखा है। रुक जाओ, रुक जाओ जैरी, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और दूसरी तरफ के बाकी हैं भी, बस रुक जाओ, रुक जाओ जैरी। नहीं बुरी बात जैरी, रुक जाओ। पहली दफ़ा हो रहा है इसके साथ, इसलिए थोड़ा सा शोर मचा रहे, नहीं तो इतनी डर तकलीफ होती नहीं है परिंदे को। रुक जाओ जैसे, रुक जाओ, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बेड़ा गर्क हो गया बेचारे का। सॉरी यार जैरी, ये देखें डर रहा है, भाग गया है मुझसे। सॉरी यार जैरी, ये पहली और आखिरी दफ़ा था, आइंदा नहीं होगा, करना ज़रूरी था ना यार। अब ये देखें नाराज़ होकर बैठ गया मेरे से। सॉरी जैरी यार, तुम नहीं समझ रहे बात को, क्या बात है। अबे यार अभी एक डेढ़ हफ्ते तक मेरे पास भी नहीं आएगा, मुझसे डरेगा। अबे करना ज़रूरी था ना यार, क्या करूँ मैं यार। जिस चीज़ का डरता वही हुआ, नाराज़ हो गया यार ये मेरे, अच्छा खासा नाराज़ हो गया। देखें कैसे भाग के गया उधर, अच्छा खासा नाराज़ हो गया। देखें पर खींचना लाजमी था यार इसके, लाजमी था, क्योंकि यार ये छलांगे मार रहा है, इसको लग भी सकती है। ये उधर से डायरेक्ट छलांगे मार रहा है, इधर गिर रहा है, इधर टकरा रहा है, ये उस तरह से नहीं उड़ पा रहा है, ये छलांगे मार रहा है बाकायदा। तो ये करना लाजमी था ना यार। जैरी यार सो सॉरी यार जैरी, ये देखिए हाँ पर है बेचारा, नहीं छेड़ा नहीं छेड़ा नहीं छेड़ा, बेकार में पर काटे यार तुम मारे जिसने भी, अजीब यार। जैरी मिठू सॉरी यार, ए यार जैरी। अच्छा अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद, इसको देखते हैं क्या करता है ये। मैं बैठा हूँ यहीं पे बैठा हूँ, इससे ज़रा प्यार मदद वाले। अभी अगर मैं ऐसे ही चले जाऊँगा ना, ये और मज़ीद नाराज़ होगा। अभी मुझे इसके बाद बैठना पड़ेगा थोड़ी देर, सही है। तो यार ये थी आज की वीडियो, मैं कहता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। जैरी के पर खींचना लाजमी थे यार, लाजमी थे इसके पर खींचना, सही है ना। उसके बगैर इसका गुजारा था नहीं, ये बेचारा, मैंने कभी इसको आज़ादी से रोका नहीं, सही है ना। और आप देख लें अभी ये नाराज़ हो गया, इसके पर आएंगे, मैं इसको रमज़ान के बाद उड़ाने भी लेके जाऊंगा, आपके सामने वीडियो लाजमी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं परिंदों की आज़ादी नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे टेम बर्ड है। मैंने कुछ सोच समझ के इनको फ्लाइंग टेम किया है ना, क्योंकि मुझे भी पता था यार ये लोग भाग सकते हैं, सोच समझ के मैंने किया जो किया, ऐसे तो पागल हूँ नहीं मैं, तो इनकी मैं आज़ादी रोक नहीं सकता हूँ, तो इसलिए जो है ना आज़ादी तो यहाँ पे भी नहीं रुकी हुई। इसकी इतना बड़ा इसको केज मिला हुआ है, सब चीज़ें प्रॉपर है, दाना पानी खाता रहता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये देखें नाराज़ हो गया मेरे से। चलें बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, दुआ में याद रखें, और जैरी के लिए दुआ करें कि सही सेहतमंद और अच्छे पल लेके आए, और ये नाराज़ ना हो मेरे से, सही है ना, नहीं तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा। और मुझे नहीं लग पा रहा कि यार ये आज खाना वाना भी खाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया यार। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।